सेकेंड चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं कमर्शियल बैंक, जिसके अंदर हमने प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, दो टाइप्स ऑफ बैंक्स हमने दो तीन टॉपिक कवर किए थे। थर्ड हम पढ़ चुके हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री, गवर्नर, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। चैप्टर फोर्थ है हमारा नबार्ड। नबार्ड की फुल फॉर्म से समझ आ जाएगा कि व्हाट इज एक्चुअली नबार्ड, क्या है हमारा नबार्ड, क्या है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक नेशनल बैंक है किसके लिए, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। एक ऐसा बैंक है जो किसको हेल्प करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर को एंड रूरल डेवलपमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन रूरल डेवलपमेंट। वुमेन को इनकरेज करता है कि कुछ भी वर्क करो, लाइक हमारे यहाँ पे पापड़ का वर्क स्टार्ट हुआ था तो वो किसने किया था, एक वुमेन ने ही किया था। घर बैठे बैठे उसको अपना इनकम का सोर्स हो रहा था, वो इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि वो विद इन इंडिया ही नहीं, वो बाहर की कंट्रीज में भी उनके पापड़ सेल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, ये किससे हेल्प लेती है, हमारा नाबार्ड एक नेशनल बैंक है फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नाबार्ड के। नाबार्ड एस्टैब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 में। नाबार्ड एपेक्स बॉडी है किसके लिए, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। जैसे आरबीआई किसके लिए था, हमारी कमर्शियल बैंक के लिए हमारा आरबीआई था, ऐसे ही नबार्ड किसके लिए एपेक्स बॉडी है, फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। नबार्ड ने किसको रिप्लेस किया था, नबार्ड किसकी जगह आया था, पहले हमारे यहाँ पे था एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, 12 जुलाई 1982 से पहले ये था, 1982 से पहले ये था कौन, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये फेल हो चुका था किसको फाइनेंस देने के लिए, एग्रीकल्चर को हमारे रूरल एरियाज में। तो उसके बाद एक कमेटी बैठी गई, हम बाद में पढ़ेंगे, एक कमेटी सेटअप हुई, उसके बाद उन्होंने एस्टैब्लिश किया किसको, एक नबार्ड को, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक। ये फेल हो चुकी थी कौन, एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसके फेल होने के बाद हमारे पास कौन आई, नबार्ड आई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप अ कमेटी टू रिव्यू अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन 1979 अंडर द चेयरमैन श्री बी शिवरमन। क्या हुआ था, एक कमेटी सेटअप हुई थी, उसके अंदर एक ये आया था डिसीजन कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए ऐसा बैंक होना चाहिए। कब आया था, इन 1979 और 19 हमने पढ़ा था उसका एस्टैब्लिशमेंट कब है, 1982 में। तो इस कमेटी के बाद हमारा जो नबार्ड था वो एस्टैब्लिश हो चुका था 1982 अंडर द चेयरमैन और श्री बी शिवरमन। ठीक है, इनके अंडर में एक कमेटी बिठाई गई थी जिसके अंदर ये सेटअप हुआ था कि नबार्ड एस्टैब्लिश होगा। कमेटी कब सेटअप हुई थी, 1979 में अंडर द चेयरमैन ऑफ श्री बी शिवराम, और ये सेटअप कब हुआ था, एस्टैब्लिश हमारा 1982 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये इंट्रोडक्शन में, द बेसिक आइडिया वॉज दैट देयर शुड बी अ नेशनल बैंक टू पे अ अनडिवाइडेड अटेंशन टू ऑल रीजन ऑफ द कंट्री इन द मैटर ऑफ रूरल क्रेडिट एंड अदर नीड्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि बेसिक आइडिया था देयर शुड बी अ नेशनल बैंक, किसके लिए, हमारे एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर के लिए एक नेशनल बैंक होना चाहिए, टू पे अनडिवाइडेड अटेंशन टू ऑल रीजन ऑफ द कंट्री विदाउट कि इसको नहीं देना, इसको नहीं देना, गरीब है ये या अमीर है, ऐसे बिना इन सब चीजों के अनडिवाइडेड अटेंशन टू ऑल रीजन ऑफ द कंट्री इन द मैटर ऑफ रूरल क्रेडिट अदर नीड्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल क्रेडिट एंड अदर नीड्स, बहुत सारी नीड्स होती है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की। रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट मतलब वहां हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगा दी, वहां पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, उनकी इनकम हुई, तो ये सब है। ठीक है, विदाउट एनी पॉलिटिक्स, विदाउट एनी करप्शन हमें ये सारा काम करना है। नेशनल बैंक टू पे अनडिवाइडेड अटेंशन टू ऑल रीजन ऑफ द कंट्री इन द मैटर ऑफ रूरल क्रेडिट एंड अदर नीड्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नबार्ड हैज टेकन ओवर द एंटायर एग्रीकल्चर रिफाइनेंस फंक्शन। नबार्ड ने पूरा जो एग्रीकल्चर को रिफाइनेंस फंक्शन था किससे ले लिया था, आरबीआई से। एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज बीन मर्ज विद नबार्ड। हमने पढ़ा था कि जो एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है इसको हमने क्या कर दिया था, इसका फेलियर से हमारा एक डिसीजन आया था 1979 में कि हम नबार्ड एक ऐसा बैंक एस्टैब्लिश करेंगे जो किसको हेल्प करेगा, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को। कमेटी कब की हमारी, 1979 में, लेकिन हमारा बैंक कब एस्टैब्लिश हुआ, 1982 में।
तो वो यही कह रहे हैं कि जो जो हमारा पहले जो बैंक था, कौन सा, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये फेल हो चुका था. हमने अमलगमेशन का मींस पता था कि वीक बैंक हो चुका था, तो वीक बैंक को हमने एक स्ट्रांग बैंक में मर्ज कर दिया, मींस नाबार्ड. एक नाबार्ड बहुत स्ट्रांग बैंक था. इसके बाद हम इसकी पढ़ेंगे पेडा कैपिटल, शेयर कैपिटल, कितनी कैपिटल इसके पास आज की डेट में है. ठीक है, तो दो पॉइंट्स थे, मोर वी हैव इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट हमारे इंट्रोडक्शन में पॉइंट है, एज डिस्कर्ड अबव द एंटायर रीफाइनेंसिंग वर्क ऑफ द रिजर्व बैंक टू द स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक द अपेक्स बॉडी द रीजनल रूरल डेवलपमेंट इन सेंट्रल लैंड हैज बीन ट्रांसफर्ड टू आरबीआई टू नाबार्ड. क्या हुआ था, आरबीआई, उसके बाद हमारी अपेक्स बॉडी थी कौन सी, स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक द रीजनल रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, एंड सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक. ये सब कुछ किसमें ट्रांसफर हो चुका था, नाबार्ड को. नाबार्ड एक हमारा नेशनल एग्रीकल्चर बैंक बन चुका था, किसके लिए, रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर के लिए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट मीन्स दैट द वर्क ऑफ रिजर्व बैंक हैज कम टू बी डिसेंट्रलाइज एंड द रोल ऑफ रिजर्व बैंक इन द स्फीयर ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस हैज बीन हैंडेड ओवर टू नाबार्ड विच इज टू गिव अनडिवाइडेड अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल फाइनेंस. हमने पहले भी पढ़ा था कि कैसी अटेंशन देनी, अनडिवाइडेड अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल फाइनेंस. अब इसका क्या मतलब है, इट मीन्स द वर्क ऑफ जो रिजर्व बैंक के पास वर्क था वो डिसेंट्रलाइज हो चुका था. डिसेंट्रलाइज मीन्स स्मॉल ग्रुप्स में हम अपने टास्क को डिवाइड कर देते हैं, और सेंट्रलाइज मीन्स सोल वर्क, एक अकेला बंदा. डिसेंट्रलाइज मीन्स बहुत बड़े काम को छोटे छोटे वर्क्स में डिवाइड कर दो, ठीक है, और सेंट्रलाइज मीन्स एक काम और एक ही बंदा, वो बहुत सारा काम एक ही इंसान कर रहा है. अब आप मान लो एमएनसी है, उसमें एक सीईओ होता है, बीओ और डीएम होते हैं, बीओएम होते हैं, फिर उसका लोअर क्लास होते हैं, फिर सबसे जो नीचे सुपरवाइजरी लेवल होते हैं वो, तो वो सब है. डिसेंट्रलाइज द रोल ऑफ रिजर्व बैंक इन द स्फीयर ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस. डिसेंट्रलाइज हो चुका था वर्क किसका, रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर का. द रोल ऑफ रिजर्व बैंक, किसका रोल इन द स्फीयर ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, जो रोल ऑफ बैंक था किसके लिए, एग्रीकल्चर फाइनेंस के लिए, वो किसको दे दिया था, हैज बीन हैंडेड टू नाबार्ड विच इज गिव अ, जिसको एक अनडिवाइडेड अटेंशन देनी थी टू द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल फाइनेंस. ये हम इंट्रोडक्शन खत्म कर चुके हैं. नेक्स्ट हमारा है फंक्शंस ऑफ नाबार्ड. नेक्स्ट पॉइंट हमारा फंक्शंस ऑफ नाबार्ड, ठीक है. द नाबार्ड वर्क्स एज एन एपेक्स बॉडी टू लुक आफ्टर द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर. हमने पहले भी पढ़ा था हमारे इंट्रोडक्शन में कि नाबार्ड एपेक्स बॉडी है किसके लिए, हमारे एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए. टू लुक आफ्टर उनकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर, उनको लोन उनको प्रोवाइड करवाना, बहुत सारी चीज होती है एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर्स में सेटअप करने की, तो उनको सबको क्रेडिट रिक्वायरमेंट देना. द नाबार्ड सर्विसेज एज अ रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्शन, जितना भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है इंडस्ट्रीज में, एंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, एसएसआई, कॉटेज, विलेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट एंड रूरल, इनको क्या देना, सर्विसेज देना. रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन ये सारी सर्विसेज देते हैं, प्रोडक्शन की भी, इन्वेस्टमेंट की भी, क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, एक्सरसाइज, कॉटेज, विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट, रूरल एजेंसियां. इसके पास पूरी अथॉरिटी है. इट हैज अथॉरिटी टू ओवरसीज द फंक्शनिंग ऑफ कॉर्पोरेटिव सेक्टर थ्रू विच एग्रीकल्चर क्रेडिट रिक्वायरमेंट. ये बहुत सारे लोन्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहा है, तो उसके पास एक अथॉरिटी है कि उसको देख सके फंक्शनिंग ऑफ कॉर्पोरेटिव सेक्टर थ्रू इट्स एग्रीकल्चर क्रेडिट डेवलपमेंट. जब वो किसी को लोन दे रहा है, सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा है, क्या क्या हमारी रीफाइनेंसिंग कर रहा है, किसको, एसएसआई को, कॉटेज को, विलेज इंडस्ट्रीज को, तो उनके पास अथॉरिटी है कि उनको देखे कि वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे थ्रू इट्स एग्रीकल्चर क्रेडिट डेवलपमेंट. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट प्रोवाइड्स अ शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू कॉर्पोरेट सेक्टर, लैंड डेवलपमेंट बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. जो नाबार्ड है वो क्या देता है, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू कॉर्पोरेटिव सेक्टर, लैंड डेवलपमेंट बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ये छोटे छोटे बैंक को क्या देता है, क्रेडिट देता है टू कॉर्पोरेट सेक्टर, लैंड डेवलपमेंट बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टू इट मेंटेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड टू प्रमोट अ रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, टू फॉर्मुलेट एंड डिजाइन प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर टू कवर अ स्पेशल एक्टिविटीज.
इसका क्या मतलब है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका क्या फंक्शन है कि मेंटेन करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड टू प्रमोट रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट टू फॉर्मुलेट एंड डिजाइन प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर टू कवर अ स्पेशल एक्टिविटी, अलग अलग सेक्टर्स में रिसर्च करना टू कवर अ स्पेशल एक्टिविटीज और उन स्पेशल एक्टिविटीज को कवर करना। नेक्स्ट हमारे फंक्शन, इट हैज बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्पेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक द इंस्पेक्शन ऑफ सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट एंड अदर कॉर्पोरेशन इंस्टीट्यूशन टू अंडरटेक अ वॉलेंट्री बेसिस, वो चेक करता है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्पेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट एंड जो डिस्ट्रिक्ट के और स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक है एंड रीजनल रूरल बैंक को द इंस्पेक्शन ऑफ सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट एंड अदर कॉर्पोरेटिव जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनकी कैसे होनी चाहिए इंस्पेक्शन, वॉलेंट्री बेसिस पे होनी चाहिए, थोड़े थोड़े टाइम बाद होनी रहनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, इट गिव्स अ लॉन्ग टर्म लोन अप टू 20 इयर्स टू स्टेट गवर्नमेंट, क्या देता है लोन देता है स्टेट गवर्नमेंट को टू अनेबल देम टू सब्सक्राइब टू द शेयर कैपिटल, किसमें सब्सक्राइब करो शेयर कैपिटल और कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में, उनको लोन इसलिए देते हैं कि उनकी सब्सक्राइब करो किसकी शेयर कैपिटल में, कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की, ठीक है। ये फंक्शंस थे नाबार्ड के जो हमारे सिलेबस में, जो मत्स्य यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नाबार्ड के चैप्टर में बहुत सारे और फंक्शंस हैं लेकिन हमारे सिलेबस में इतने थे जो बहुत बेसिक है, ठीक है। इसके बाद है हमारा मैनेजमेंट ऑफ नाबार्ड, उसके बाद है लोन कि नाबार्ड लोन कैसे प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। दो टॉपिक और बच्चे, हमारा नाबार्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ नाबार्ड और लोन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट ऑफ नाबार्ड, द मैनेजमेंट ऑफ द नाबार्ड इज एंटरस्टेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब, जो मैनेजमेंट ऑफ नाबार्ड है वो किससे होता है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया की, इन द कंसल्टेशन, किससे कंसल्टेशन के अंदर, विद द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देयर इज अ चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देयर इज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड 13 अदर्स डायरेक्टर, ए बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक हमारा चेयरमैन, एक हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके बाद हमारे 13 अदर डायरेक्टर्स हैं। 13 डायरेक्टर्स ऑफ नाबार्ड, इसमें कुछ भी ऐसे समझाने जैसे नहीं है, ये 13 डायरेक्टर्स हैं नाबार्ड के, सिर्फ एक बार हम इनको रीड कर लेते और गिनती कर लेते, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। टू आर एक्सपर्ट इन द रूरल इकोनॉमिक, रूरल डेवलपमेंट एंड हैंडीक्राफ्ट, इसमें क्या लिख रखा है, दो ऐसे डायरेक्टर होने चाहिए जो एक्सपर्ट किसमें होने चाहिए, हमारी रूरल इकोनॉमी, जो हमारी रूरल की इकोनॉमी है, रूरल का डेवलपमेंट कैसे, और हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है जो हम हाथ से चीजें बनाते हैं। थ्री डायरेक्टर शुड हैव अ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कॉपरेटिव एंड कमर्शियल बैंकिंग, तीन ऐसे डायरेक्टर होने चाहिए जिनको एक्सपीरियंस हो किसमें, फील्ड ऑफ कॉर्पोरेटिव, मतलब जो कॉर्पोरेटिव सेक्टर है हमारे एग्रीकल्चर वगैरह, इसमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तीन डायरेक्टर ऐसे होने चाहिए। थ्री डायरेक्टर अमंग द डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, ऐसे तीन डायरेक्टर जो कौन रह चुके हो डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। थ्री फ्रॉम अमंग द ऑफिशियल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थ्री ऐसे डायरेक्टर जो किसके ऑफिशियल हो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, बाकी मुझे दो दो डायरेक्टर अमंग द ऑफिशियल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट है उसमें दो डायरेक्टर होने चाहिए, उसके ऑफिशियल दो डायरेक्टर ऐसे होने चाहिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हमारे 13 डायरेक्टर ऐसे होने चाहिए। एक हमारा बीओडी हो गया, एक हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, ये ऐसे करते करते हमारे कितने हो गए, ये 13 ही हो गए, ठीक है। थ्री हमने पहले पढ़ चुके, 16 हो गए, ये हमारा मैनेजमेंट ऑफ नाबार्ड, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम और भी चीजें पढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ नाबार्ड की। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट में एक ये लाइन रहेगी थी, जो चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर है वो अपॉइंट कितने टाइम के लिए होते हैं, 5 इयर्स के लिए, और जो अदर हमारे 13 डायरेक्टर्स है वो 3 इयर्स के लिए, ठीक है। थोड़ा सा हम देखते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट का मतलब चेंजेस कब हुए थे, 2002 में ऑफ नाबार्ड एक्ट 1982, द नंबर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंक्रीज फ्रॉम 2 to 4 इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ नाबार्ड। बेटा क्या है अमेंडमेंट का मतलब, चेंजेस, एक एक्ट पास हुआ था 1982 में, हमने पढ़ा है एस्टेब्लिशमेंट हुआ है किसका, नाबार्ड का, ठीक है। उससे पहले एक्ट बना होगा, ठीक है, तो एक्ट कब बना हुआ है 1981 में, ठीक है, हमारा 12 जुलाई 1982 को उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो उससे पहले एक अमेंडमेंट हुआ, एक चेंज हुआ 2000 में, ठीक है।
अमेंडमेंट कब आया 2000 में, को किसके लिए, एक्ट 1981, द नंबर ऑफ मेंबर्स, जो नंबर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 2 to 4 इन द बीओडीज ऑफ नाबार्ड. ठीक है, एज पर द अमेंडमेंट अदर शेयर होल्डर रिप्रेजेंटेशन इन द बीओडीज मे बी अप टू 4 डायरेक्टर्स. नाउ नाबार्ड एंजॉय द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट बैंक. नाबार्ड का एक स्टेटस बन चुका है क्या, कि वो डेवलपमेंट दे रहा है किसको, रूरल एंड एग्रीकल्चर को, रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर को. नाबार्ड किसको लोन देता है, फॉरेन करेंसी को. ठीक है, अब इसमें हमारे खाली दो टॉपिक बचे इस चैप्टर में नाबार्ड में. एक हमारा है लोन ऑपरेशन, कैसे लोन होता है, जो हमने थोड़ा सा पढ़ा था फंक्शन में, शॉर्ट टर्म लोन, मिडिल टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन. इसका हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे क्या है इसमें, कैसे कैसे लोन देते हैं. एक और टॉपिक हमारा बचा है नाबार्ड एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, नाबार्ड कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं. दो टॉपिक हमारे नेक्स्ट वीडियो में, हम इसमें कर चुके हैं कंप्लीट हमारा मैनेजमेंट फंक्शन नाबार्ड का इंट्रोडक्शन. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमारा लोन है और मैनेजमेंट का वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नाबार्ड. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो.